हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, अब मैं इनका अपन आप बता देती हूँ। तो ये मेरे 12 पीस हैं जो 3 इंच के हैं, 3 3 इंच के। ये मेरे 8 पीस हैं जो 3 3 इंच के हैं। ये मेरा 1 पीस है जो 3 3 इंच का है। ये मेरे 4 पीस हैं जो 3 3 इंच के हैं। ये मेरे 2 पीस हैं जो 6 6 इंच के हैं। और ये मैंने 3 इंच की चौड़ाई की पट्टी पूरी लंबी ले ली हमने, क्योंकि हम इस डिज़ाइन के साथ साथ हम इसको बाद में कट करते चलेंगे। तो ये हमें पट्टी बाद में चाहिए फ्रेंड, कम पड़ेगी तो हम ओढ़ ले लेंगे। तो हमें 3 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी चाहिए जो हम बाद में डिज़ाइन के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारे पीस हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम मैं इनको आपको सेट करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बारी बारी से सिलेंगे। तो हम एक एक लाइन ले लेंगे, जैसे कि इस पीस को हमने अलग कर दिया, एक लाइन हम ये सिल लेंगे, फिर एक लाइन ये सिल लेंगे, ऐसे हम बारी बारी लाइन सिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम इसको इस पे रखेंगे, यहाँ से सिलेंगे और फिर पलट देंगे। सेम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी हम यहाँ रस से सिलेंगे और पलट देंगे। तो ऐसे ही हमें ये बारी बारी लाइन सिल लेनी है। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पट्टी जुड़ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 पीस इसके 3 3 इंच के लेंगे। तो मैं 4 पीस कट कर लेती हूँ 3 3 इंच के फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 पीस काट लिए हैं। अब क्या करेंगे हम कि हम एक एक पीस यहाँ रखेंगे, हमें इस वाली पट्टी के साथ ये एक एक पीस जोड़ना है। तो मैं इसको भी जोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लैक पीस जोड़ लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये 3 पीस आपस में जॉइंट करेंगे। तो हम ऐसे रखेंगे और जितने भी जोड़ है ना, सब पे पिनअप कर लेंगे ताकि हमारी बिल्कुल लाइन पे लाइन जुड़ी हुई आए। और फिर यहाँ से सिल देंगे, सिलने के बाद पलटेंगे। और ये भी ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी हम ऐसे रखेंगे और सारे जोड़ पे पिनअप कर लेंगे और फिर हम सीधा ये सिल देंगे। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये जॉइंट हो गया है और सारे कोने से कोने सारे मिले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये वाले पीस लेंगे। ये मेरे 2 पीस थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम क्या करेंगे, हम स्केल की मदद से बीच में एक लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद इसको हम बीच में से कट करेंगे। तो देखिए, ये मैंने लाइन लगा ली है। अब हम इसमें से बीच में से कट करेंगे। ये हमारे 4 पीस हो गए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम इसे यहाँ सिलना है। इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे सिल देंगे और पलट देंगे। सेम हमें ऐसे ही करना है फ्रेंड, यहाँ भी इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे सिलेंगे और पलट देंगे। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमारे ये पीस बचे हुए हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हम ऐसे रखेंगे। यहाँ हमारा है 4.5 इंच, तो हम क्या करेंगे, 5 इंच ले लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 5 इंच और यहाँ से ले लेंगे हम 3.5 इंच। तो ये हमारी लाइन लग गई, इसको अब हम कट करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए फ्रेंड्स, कई बार कपड़ा ऐसा होता है स्ट्रेचेबल कि छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिए, हमें ऐसा सिलना है फ्रेंड, इसको हम इस पर सिलेंगे। इसको हम यहाँ सिलेंगे, इसको हम यहाँ सिलेंगे, इसको हम यहाँ सिलेंगे। तो देखिए, ये आ गया हमारा। तो पहले हम इसको सिल लेते हैं, फिर हम आगे इसको सिलेंगे फ्रेंड। आगे फिर मैं इसका नाप बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे ये जो 3 जोड़े हैं वो हम इनके ऊपर रख के और पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स पहले, और फिर यहाँ से इसको सिल देंगे। सेम हम ये करेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे पिनअप करके फ्रेंड्स। और जो हमारा ये पीस है फ्रेंड्स, इसको अब हम क्या करेंगे,
ये देखिए, ये मैंने 6 इंच की पट्टी ले ली है, 3 इंच और 6 इंच। इसको क्या करेंगे हम, एक 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 करके इसमें आपस में सिल देंगे इस तरीके से। यहाँ से ऐसे रख के सिलेंगे और यहाँ पे ऐसे रख के सिलेंगे। और फिर क्या है फ्रेंड्स, फिर जो हमारा यहाँ से हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने पहले ही कट पीस कर किए हुए हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे जॉइंट होंगे इस तरीके से, और ऐसे ही हम इसको यहाँ जोड़ लेंगे। तो ये मैं कट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो ये हो गए इस तरीके से। तो हम इन पीस को सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट में अब हमारे ये जो पीस बचे हुए हैं इसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। ऐसे इसको यहाँ से सिलेंगे और यहाँ पलट देंगे। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब क्या करेंगे, मैं फिनिशिंग से इसको कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। आप चाहे किस तरीके से भी देखिए, मेरा अच्छी तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका, इस डिज़ाइन का यूज बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।